हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और हम आज लेके आए हैं आपके पास कैट आईएम सीरीज का हमारा एक फ्रेश नया सेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के जितने भी सेशन थे वो सुन के आप लोगों को मजा आया होगा, अच्छे कंसर्ट बने होंगे, आपको पढ़ाई में हेल्प हुई होगी। इनके पहले के वीडियोज अगर आपने देखे हैं बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे मैंने सभी का लिंक दिया हुआ है और अगर आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं एमबी ट्रेनर कैट आईएम सीरीज की। बस मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर देता हूं, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैट 2018 कैट 2019 का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये ईयर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वीडियो को, ये है अक्टूबर का मंथ 2018। मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो आज का जो सेशन हमारा किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे बच्चे जो इंडिया के कैट आईएम आईएफटी जैट एनमैट स्नैप मैट इस तरह के इंडिया के जितने भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा जीआर जीमैट का एग्जाम या जितने भी जॉब रिलेटेड एग्जाम देंगे। फाइन, चलिए तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना कैट आईएम सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने वापस से कैट के इस क्वेश्चन से लिया हुआ है। ये एक प्लेन है और इस प्लेन में हमारे पास 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की अलग अलग इस तरह से लाइन्स रखी हुई हैं और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इन लाइन्स को एंड टू एंड यूज करके ट्रायंगल ना बने, ट्रायंगल नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन कैट में पूछा हुआ है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप चाहें तो एमबीए ट्रेनर के या फिर सौरभ ठाकुर के एफबी पेज में जाके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहले आप बढ़िया से समझ लीजिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा दीजिएगा कॉन्सेप्ट और ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मैं इसको ज्योमेट्री से लेके आता हूं। सबसे पहले ज्योमेट्री में आप देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए तीन वर्टाइसेस चाहिए, बोल दूं तीन पॉइंट चाहिए या फिर तीन स्ट्रेट लाइन चाहिए, अग्री करते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये रहा एक ट्रायंगल, एक कैसा भी ट्रायंगल ले लीजिए, स्केलन लेते हैं, तीनों साइड अलग ले लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम लोग कन्वेंशनली कैपिटल ए के ठीक सामने वाली साइड को दिखाते हैं स्मॉल ए के रूप में, यूजुअली हम लोग कैपिटल बी के ठीक सामने वाली साइड को दिखाते हैं स्मॉल बी के रूप में, और यूजुअली कैपिटल सी के ठीक सामने वाली साइड को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल सी के रूप में। ये होगा थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यूजुअली ऐसा करते हैं कि एंगल को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और साइड्स को स्मॉल लेटर से। अब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और पॉइंट है और वो ये है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, B plus C must be greater than A, C plus A must be greater than B. और इसके अलावा the difference between any two sides must be less than the third side. तो sum जो होगा दो sides का that must be greater than the third side and difference जो होगा that must be less than the third side. Fine? ये आपको मेरी बात और clearly समझ में आए इसलिए काम करते हैं, एक example लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको triangle दिया गया same इसी तरह से और हमको बोला गया इस ट्रायंगल में खास बात क्या है। इस ट्रायंगल में खास बात ये है कि ये रहा एक स्केलन ट्रायंगल लिया बस मैंने ए बी सी, स्मॉल ए जो मैंने इसके पहले आपको दिखाया था ऑपोजिट साइड मान लेते 12 सेंटीमीटर है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हो गया सी जो कि हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि बी तीसरा साइड जो है जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है, बी जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है थर्ड साइड की, इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, मतलब थर्ड साइड की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ध्यान रखिएगा मैंने यहां पे लिखा इंटीग्रल वैल्यू, इससे आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। हमने एक बात बोला कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कोई भी दो साइड ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, कोई भी दो साइड, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड, अग्री करते हैं। चलिए देखते हैं इसका मतलब। इसका मतलब सम ऑफ दीज टू साइड्स 12 + 5 मस्ट बी लेस देन बी, तो ये हो गया 12 + 5 मस्ट बी ग्रेटर देन बी एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स मस्ट बी लेस देन बी, राइट। एक बार देखें क्या आता है, 12 प्लस 5 कितना हो गया, 12 प्लस 5 हो गया 17, तो B को 17 से तो कम होना ही पड़ेगा और B को किससे ज्यादा होना पड़ेगा 12 माइनस 5, व्हाट इज दैट 7। इसका मतलब
क्योंकि हमें बोला गया है कि बी इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, बी 7 से 17 के बीच में सारी इंटीग्रल वैल्यू आ सकती है, अग्री करते हैं, जो कि हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सारी की सारी वैल्यूज का मतलब अगर हमसे पूछा जाए कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो हम बोल देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 वैल्यूज। अब इससे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, इन सारे की सारी वैल्यूज का सम, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स निकाल के शुरू के 7 नेचुरल नंबर्स को माइनस कर दिए, या फिर जो सम आ रहा है उसके फैक्टर्स कितने आएंगे, ऐसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। बट अभी के लिए हमारे हमारे पास जो समझने के लिए पॉइंट था वो ये था, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। मेरे ख्याल आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये पॉइंट भी बोला कि आपको एक ट्रायंगल बनाने के लिए तीन साइड्स या तीन पॉइंट्स या तीन वर्टाइसेस की जरूरत है। देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो फिगर ड्रॉ करके दिया था, ये रहे 2 सेंटीमीटर की लाइन, कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये रही 6 सेंटीमीटर की लाइन। आपको ये क्वेश्चन में गिवन था 2, 3, 4, 5 एंड 6, सभी के सभी मैंने सेंटीमीटर में लिया। प्रोबेबिलिटी की ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए। देखिए हमेशा ना मैं एक बात बोलता हूँ, कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप बनाएं तो शुरू कैसे करें, कोई भी क्वेश्चन आप बनाएं तो हमेशा सबसे पहले इवेंट को डिफाइन करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इवेंट, कि इवेंट कितना आसान कितना डिफिकल्ट जो भी है। इसके बाद हमेशा ध्यान रखिए, जो चाहिए बटा सब कुछ, जो चाहिए बटा सब कुछ, मतलब फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो जैसे हमें बोला गया कि ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए, ना बने, तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इवेंट को डिफाइन करें, पहली चीज। दूसरी चीज, आए आप सब कुछ में, सैंपल स्पेस में, इसी का तो सबसेट होगा ना बेसिकली, ये जो पॉइंट है, जो चाहिए, जो फेवरेबल इवेंट है, वो इसी से टूट के बना होगा। चलिए, ट्रायंगल बनाने के लिए हमको चाहिए तीन पॉइंट्स, या चाहिए तीन साइड्स या तीन लाइंस, जैसा ही बोलना चाहे आप। तो हम लोग ट्रायंगल के लिए क्या बोलेंगे, एक ट्रायंगल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, NC3, अगर N वर्टाइसेस है तो NC3 ट्रायंगल्स, N पॉइंट्स है तो NC3 ट्रायंगल्स, N लाइंस आपको गिवन है तो NC3 ट्रायंगल्स। यहाँ पे कितनी लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4 और ये रही 5, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 5C3, 5C3 का मतलब बेसिकली 5C2 का मतलब 10, टोटल ट्रायंगल्स 10, पॉसिबिलिटी जो है, जो सैंपल स्पेस है वो है 10। तो हमको ये तो समझ में आ गया, इन 10 केसेस में 10 केस वो है जिसमें हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कितने में ट्रायंगल नहीं बनने चाहिए। देखिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ट्रायंगल बनने का सवाल ही नहीं उठता, राइट। बढ़िया समझते चलिएगा, आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ट्रायंगल ना बने, तो ऐसा मत होने दीजिए, मतलब इसको जितनी बड़ी वैल्यू ले सकते ले लीजिए और यहाँ पे जितनी छोटी वैल्यूज, आप सोच के देखिए क्या हम ये नहीं चाहते ऐसा हो। तो मैंने 2 के साथ एक वैल्यू देखा, क्या सबसे छोटी वैल्यू क्या बचती है, 3, 2+3, 5, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता कि ट्रायंगल बन जाए। 2 के साथ और कुछ पॉसिबल है क्या, 2 के साथ 4, ग्रेटर है क्या, बिल्कुल नहीं, ये 2 केसेस तो आ ही गए, और कोई केस, नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर है 5, 2 के साथ ये भी चेक कर लेते हैं, 2 के साथ 3 चेक कर लिया हमने, क्या ग्रेटर है क्या, बिल्कुल नहीं, कितने केस हो गए, टोटल केस हो गए 3, क्या और कोई केस पॉसिबल है, अब तो ऑलरेडी 5 आ चुका है, इसका तो ज़्यादा ही हो जाएगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 2+4, 6, इससे ज़्यादा हो गया ट्रायंगल बन सकता है, मैं यहाँ पे अगर मैं रख दूँ 5 तो 5+2, 7, इससे ज़्यादा हो गया ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। तो टोटल कितने केसेस आ गए, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 3 केसेस, तो ये हो गया 3/10, ये टोटल नंबर ऑफ वो केसेस है जब ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहां तक मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा वो ये है कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये बात तो है, लेकिन एक और चीज जो ध्यान रखने की वो है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। तीन साइड्स चाहिए हमको ट्रायंगल बनाने के लिए, तो हमने बोला अगर तीन साइड्स रैंडमली पड़े हुए हैं, तीन पॉइंट्स पड़े हुए हैं सेम स्पेस में, या तीन वर्टाइसेस हैं, तो NC3 इतने बनने चाहिए ट्रायंगल्स।
हमसे बोला गया था कि 2 सेंटीमीटर 3, 5 और 7 सेंटीमीटर्स की, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर्स की लाइन है, कितने पॉसिबल केसेस है कि ट्राइंगल ना बने। तो टोटल केसेस हैं 6, 5, C, 3, उसमें से ट्राइंगल जो नहीं बनेंगे, मतलब सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल नेक्स्ट टाइम कभी आपको ऐसा सवाल मिलेगा आप बिल्कुल अप्रोच कर पाएंगे। ये सवाल लास्ट टाइम कैट में ही पूछा गया था, अब ये लेटली ये सवाल बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से पूछा जा चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या वो क्लियर है कि नहीं, क्रिस्प है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। फाइन, इसी में, इसी कंसेप्ट में हम लोग इससे और अपडेट कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, इसी कंसेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।